हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फूड फैक्टर। मैं हूं डॉक्टर दिव्या। दोस्तों, आज आपसे एक बहुत ही आसान सा सवाल पूछूंगी, वो ये कि क्या आप जानते हैं कौन सा ऐसा फूड यानी कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे फूड ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, जिसे हम सभी को गिफ्ट लेना या देना पसंद है। एक गेस कीजिए। एक और क्लू देती हूँ, वो ये कि लड़कियाँ और बच्चों को तो ये सबसे ज़्यादा भाता है। आई थिंक यू हैव गेस्ट इट करेक्ट, इट इज़ अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। दोस्तों, देखते हैं कि आखिर हमारे जो व्यूअर्स हैं यानी कि आप चॉकलेट के बारे में क्या कहना चाहते हैं। एमी होती है, डेलीशियस होती है, इसीलिए हम खाते हैं। और उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लेवर्स भी मिलते हैं जो हमको पसंद होता है, तो इसीलिए हम खाते हैं। इट्स वेरी टेस्टी, दैट्स व्हाई नॉट ओनली मी, मींस एवरीवन लाइक्स टू ईट इट, स्वीट एंड ऑल। आई लव स्वीट थिंग्स and basically chocolates do change my mood. Then I am depressed or I am happy, I have more chocolates. कि उससे काफ़ी, एक तो आज के डेट में डिफरेंट डिफरेंट मतलब फ्लेवर्स के चॉकलेट मिल रहे हैं, एनर्जेटिक होते हैं, प्लस उसको एज ए साइंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो काफ़ी उसके अंदर आजकल फ्लेवर्स मिक्स करने के बाद उसे प्रोटीन्स वगैरह भी डाले जाते हैं। आई थिंक चॉकलेट्स इज वेरी वेरी स्वीटेस्ट एंड लवली स्वीट एंड इट्स अल्टीमेट। I mean, I love to eat it any time, whether my mood is off or good whatsoever, I love to eat it. Barabar hai, chocolate, whenever I give chocolate to her, she likes it very much. Fruit ka koi flavor hoga to wo acha lagta hai usse. Plus ek bachcho ki hobby hoti hai ki chocolate khao, aur as well as Cadbury's ya like five stars ya gems, kaafi matlab ek just like if in the fashion कि पब्लिक में हो गया है कि चलो मैं कुछ भी कैडबरीज दूंगा या कैडबरीज सेलिब्रेशन, काफ़ी एक लाइक कुछ फेस्टिवल्स पे, ओकेजन पे एक बर्थडे गिफ्ट किसी को दे रहे हैं तो गिफ्ट के साथ हो गया, तो दैट इज़ अ डिफरेंट, मतलब डिफरेंट ओकेजन पे डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं चॉकलेट्स के लिए। फ्रेंड्स, चॉकलेट तो हम सभी को पसंद है, मगर क्या आप जानते हैं चॉकलेट हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होती है। ये हमारे दांतों को स्ट्रेंथ देती है और साथ ही साथ हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसे लोअर डाउन करती है। यही नहीं, ये हमें मेमोरी में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। दोस्तों, तो चलिए चॉकलेट्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे आज के फूड फैक्टर के इस एपिसोड में। करते हैं इस चॉकलेटी एपिसोड की शुरुआत और वेलकम करते हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर रुबाइना जी का। वेलकम डॉक्टर। हाई डॉक्टर दिव्या, हाउ आर यू? Absolutely good. I think शुरुआत में ही मैं आपको चॉकलेट्स ऑफर करना चाहूंगी, प्लीज। For sure. रुबाइना, tell me, do you like chocolates? Oh, I love chocolates. Okay. तो चॉकलेट्स में आखिर ऐसा क्या है जो हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? चॉकलेट, especially डार्क चॉकलेट, that is cocoa. इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है and it helps to raise your serotonin level, that is the hormone level, that's the happy hormone. Okay. जिससे you start feeling better. If अगर आप low हो, अगर आपको stress है, if you have a piece of chocolate, you feel better. That was an amazing information what you gave. क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि अगर मेरा mood काफ़ी ज़्यादा off होता है, या फिर if I feel like I need to energize myself, I usually binge on these chocolates. Yeah, but chocolate, if you have it in a regular basis, like just a piece of it or something, that is like, you know, week mein agar aap sirf once a week or twice a week lete ho, to aapka chocolate binge bhi wait kar sakta hai, like it can stop. Okay. चॉकलेट क्रेविंग्स आर बेसिकली कि आपके शुगर लेवल शायद लो है या आपके सेरोटोनिन, दैट इज योर हैप्पी हार्मोन लेवल, लो है, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग चॉकलेट क्रेविंग्स। आई थिंक हमारी बॉडी खुद चॉकलेट की डिमांड करती है, इसका कहने का मतलब ये है? Not exactly, but just that कि आपके hormone levels जब ऊपर नीचे हो जाते हैं, that's when you're stressed, you're feeling low, that's when you feel like having something nice that would soothe your mood. Okay, तो I think chocolate का एक बहुत ही बड़ा फायदा आपने बताया कि वो हमारा mood enhancer होता है, yes. हमें happy and gay बनाता है. Right. Okay, that was amazing. Apart from that, एक बहुत ही common myth है जो हम सभी में है कि बच्चों को chocolate नहीं देनी चाहिए, उनके दांत सड़ जाते हैं, chocolate ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, उससे जो ना ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, आपको हार्ट डिजीज भी हो सकता है। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? या नॉर्मल चॉकलेट्स अगर आप खाओगे एंड इफ़ यू हैव बहुत ज़्यादा कि आप लाइक 2-3 पीसेज एट वन टाइम एंड एवरी डे अगर आप खा रहे हो, स्पेशली किड्स, तो ऑब्वियसली आपके दांत खराब हो सकते हैं। बट डार्क चॉकलेट, especially cocoa जिसमें होता है, that helps to enhance your cavities other than getting it. Okay, that was an interesting point what you shared with us. But एक और चीज़ हो जाती है, जब हम चॉकलेट की बात करें या चॉकलेट्स की बात करें तो उसमें कैंडीज भी आ जाती हैं। Yes. That is sugar coated basically. That is a big no.
बिकॉज कैंडीज में बहुत शुगर कंटेंट होता है, उसमें केमिकल्स होते हैं विच आर रियली बैड फॉर योर हेल्थ, कलर्स, इवन कलर्स आर देयर, या विच एक्चुअली स्पॉइल योर सेल्स इनसाइड. ओके, नाउ वी हैव बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट डार्क चॉकलेट. आपने कहा कि डार्क चॉकलेट काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी बेनिफिशियल होती है, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं? डार्क चॉकलेट में देयर आर एंटीऑक्सीडेंट कॉल्ड फ्लेवोनॉइड्स, जो एक्चुअली पॉलीफेनॉल्स के एक ग्रुप होते हैं. दे हेल्प टू डिक्रीज योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, योर एलडीएल लेवल्स, विच इज़ लाइक बैड कोलेस्ट्रॉल. प्लस इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट द कैंसरस सेल्स इनसाइड योर बॉडी. इवन कैंसर कैन बी फाइटेड विद chocolates. Yeah, it can be prevented. That does not mean that you go on having prolonged way. Little. Take it in consideration. Okay, that was a very important point what you have shared with us. तो जब consideration की बात कर रहे हैं और chocolates की बात कर रहे हैं, तो I'll be really tempted to know कि कितनी chocolate हम एक दिन में खा सकते हैं. Just one piece. That is like around 30 to 40 calories. जिसमें आपको लाइक यू नो 1 gram ऑफ प्रोटीन मिलेगा. बट लाइक इफ यू हैव अ स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट दैट इज अराउंड 1.55 ounce or something, that would give you around 3 to 4 grams. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि उसमें फैट लेवल कितना है. इफ इट इज टू मच शुगरी एंड बहुत ज्यादा मिल्क चॉकलेट इज वेरी शुगरी, तो देन इट इज बैड ऑल्सो. ओके, तो ये एस्पेक्ट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए. आई थिंक ये चॉकलेटी जो हमारा टॉक है उसे कंटिन्यू रखेंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद. फ्रेंड्स, आप भी अपनी चॉकलेट्स को एंजॉय कीजिए. हम मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आफ्टर द ब्रेक. आज हम बात कर रहे हैं चॉकलेट्स के बारे में, तो क्यों ना हम आपको दिखाएं कि चॉकलेट्स किस तरह से घर पे बनाई जा सकती हैं. तो लेट्स हैव अ लुक. चॉकलेट बनाने के इंग्रेडिएंट्स: 1 cup शुगर पीसी हुई, 1 cup मिल्क पाउडर, 1 cup कोको पाउडर, 1/2 cup ऑफ कोको एंड 1 cup घी. पहले इस छन्नी में हमें कोको पाउडर, पीसी हुई चीनी, और 1 cup ड्रिंकिंग चॉकलेट, ये सब छानना है. सबको मिला के इसे छानना है ताकि इसमें गट्टे ना हो. सबसे पहले हमें एक बड़े पतीले में पानी गर्म करना है, क्योंकि चॉकलेट को हम डायरेक्ट हीट नहीं दे सकते, तो एक दूसरे पतीले में घी डालकर उसे मेल्ट करना है. अब ये जैसे घी मेल्ट होता है, उसके बाद हम वो छाना हुआ मिक्सचर इसमें डालेंगे. अब ये मिक्सचर को हमें इस घी में डालना है. इसे मिक्स करिए. अब इसे हमें फिर से थोड़ी हीट देनी होगी जब तक कि घी ना छूटे. जब तक इसमें घी नहीं छूटता, इसको हिलाते रहिए. देखो जैसे दिख रहा है इधर, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम स्मूथ हो जानी चाहिए. इट्स ऑलमोस्ट डन. ये 5 से 7 मिनट में तकरीबन रेडी हो जाता है. अब देख रहे हैं घी छूट रहा है. अब हमें इसे सेट करना है एक थाली में निकाल के. अब इसे फ्रीजर में रख के अबाउट 7-10 मिनट्स में रेडी हो जाएगा. पाँच सात मिनट के बाद फ्रीजर से निकालने के बाद दिस इज रेडी. अब हमें इसे काटना है. अभी हमारा चॉकलेट रेडी है. इसमें बिकॉज ये होममेड है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है. घी के हिसाब से इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर द चिल्ड्रन एंड इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं विच आर वेरी गुड फॉर रेजनरेशन ऑफ योर सेल्स. रुबाइना, जैसे हमने देखा डार्क चॉकलेट इज रियली गुड फॉर हेल्थ. अपार्ट फ्रॉम दैट, आज की डेट में मार्केट में बहुत सारे ऐसे चॉकलेट्स अवेलेबल हैं जिसमें ड्राई फ्रूट्स और नट्स का यूज़ होता है. सो आर दे बेनिफिशियल?
Yes, dry fruits are beneficial. In fact, जैसे walnuts है, almonds है, they are pure vitamin E. Especially they also help you reduce your cholesterol. But you have to see is the making of the chocolate. अगर उसमें बहुत सारी sugar है, बहुत सारा milk powder है, if it's too much, then it is bad for your health. Okay. जब हम dark chocolate की बात कर रहे हैं, या हम बोल रहे हैं कि उसके अंदर बहुत सारे additives रहते हैं, milk powder रहता है, sugar रहता है, so is it a kind of like a boon? या शुगर इज़ गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो इन अ वे दैट आपके ग्लूकोज लेवल्स बढ़ाता है बट टेकन इफ टू मच कि अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो यू बिकम लाइक अ चॉकोहॉलिक कि आप लेते ही जा रहे हो रोज़ चॉकलेट स्पेशली किड्स एंड ऑल देन इट इज़ बैड तभी आपके दांत भी ख़राब हो सकते हैं आपके हेल्थ बेनिफिट्स यू नो जो चॉकलेट से मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे ओके दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम अपने व्यूअर्स को भी कहते हैं कि हर एक चीज़ एक मॉडरेशन के अंदर लेना बहुत ज़रूरी है यू कैन एन्जॉय द बेनिफिट्स अगर आप उसे प्रॉपरली ले रहे हैं अगर आप एक्सेस लेना शुरू कर देते हैं तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम एनीथिंग टेकन इन एक्सेस अगर आप टी या कॉफ़ी एनीथिंग आप एक्सेस में लेते हो इट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ टेकन इन स्मॉल कंसिडरेशन इज़ बेटर ओके जब हम चॉकलेट्स की बात करते हैं तो एक चीज़ हमारे ध्यान में आती है कि इट्स रियली हार्मफुल मे बी दैट इज़ अ मिथ अमंग द पीपल मगर अगेन क्या उसमें कैफीन कंटेंट या कोई और ऐसा कंटेंट होता है जो हमारे लिए हार्मफुल हो कॉफ़ी में जितना कैफीन होता है उससे काफ़ी कम होता है लाइक यू कैन से अ स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट उसमें अराउंड 9 grams ऑफ कैफीन होता है विच इज़ लाइक नॉट टू मच As compared to aerated drinks, अगर आप देखोगे जिसमें अराउंड 40 grams होता है which is really bad for your health. Really bad for health. So caffeine content little for the body is good because it's like muscle stimulator but not in, taken in too much. Okay. Now there's another aspect associated with chocolate. इस समय काफ़ी सारी research हो रही हैं जिसके मुताबिक हमारे जो chocolates होते हैं वो काफ़ी beneficial होते हैं तो would you like to share something of similar sort with our viewers? In fact there's a study Dr. Divya के टी में इफ दे आर दे हैव कंपेयर टी एंड चॉकलेट नाउ चॉकलेट हैज़ 4 times मोर एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देन टी इन फैक्ट डार्क चॉकलेट दैट इज स्पेशली कोको इट इज रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बट एवरीथिंग टेकन इन टू स्मॉल कंसिडरेशन स्मॉल अमाउंट आई थिंक मॉडरेशन एक बहुत ही बड़ा गुरु मंत्र है फूड से रिलेटेड एटलीस्ट ओके नाउ सेकेंड स्टडी वट आई हैव रेड इन द न्यूज़ पेपर्स एंड इन ऑन इंटरनेट एक्चुअली उसके मुताबिक इट स्टेट्स की जो चॉकलेट्स हैं वो डायबिटीज़ को कहीं ना कहीं कम करने में मददगार होती हैं येस डॉक्टर दिव्या इन फैक्ट चॉकलेट्स में देर आर सो मच ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज दैट इज़ इन डार्क चॉकलेट जो आपके LDL लेवल्स को हेल्प करती है कम करने में एंड ऑल्सो योर शुगर लेवल्स ओके दैट्स अमेजिंग लाइक मुझे कोलेस्ट्रॉल के बारे में नहीं पता था यू एडेड टू इट कोलेस्ट्रॉल स्पेशली फ्लेवोनॉइड्स जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया दैट इज़ लाइक पॉलीफेनॉल की जो फैमिली का है दैट विच इज़ वेरी रिच इन डार्क चॉकलेट्स दैट एक्चुअली हेल्प्स टू रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऑल्सो स्पेशली इन डायबिटिक पेशेंट्स ओके नाउ एक और चीज़ है जब हम डायबिटीज़ की बात कर ही रहे हैं तो डायबिटीज पेशेंट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग होती है स्वीट्स के लिए करेक्ट नाउ कैन वी सजेस्ट देम टू हैव चॉकलेट इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी अदर फूड स्वीट फूड एक्चुअली या बट डार्क चॉकलेट विदाउट शुगर स्पेशली शुगर फ्री आई थिंक दैट इज कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट एट दिस मोमेंट ओके आई थिंक जो अभी हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें की चॉकलेट से रिलेटेड और हमारे व्यूअर्स के भी कई मिथ जो थे वो भी क्लियर डाउन हो गए होंगे इस पर्टिकुलर डिस्कशन के बाद थैंक यू वेरी मच फॉर दैट थैंक यू डॉक्टर दिव्या दोस्तों अब वक्त हो चला है डॉक्टर दिव्या फूड मंत्रा का दोस्तों आज का जो फूड मंत्रा मैं आपको देने जा रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो आपको रख सकता है यंग फॉर एवर जस्ट आपको इतना करना है कि ड्रिंकिंग चॉकलेट को अपने डाइट में इंक्लूड करना है वो भी सिर्फ 1 glass दोस्तों अगर आपके पास कोई सवाल या कोई क्वेरी है डाइट रिलेटेड न्यूट्रिशियस रिलेटेड आप हमें लिख सकते हैं हमारा पता है केयर वर्ल्ड पोस्ट बॉक्स नंबर 11999 आजाद नगर पोस्ट ऑफिस अंधेरी वेस्ट मुंबई 53 आप हमें फोन भी कर सकते हैं 02266910096 हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com फ्रेंड्स अब वक्त हो चला है आपको कहने का टाटा एंड गुड बाय हम मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में टिल देन हेल्दी फूड यानी हेल्दी यू